दोस्तों यह जी कलजानी नदी जिहड़ी सानूं कल दसदे सी वी इत्थे हड़ आ गया सी इस नदी 'च ओवरफ्लो होण करके पिछे इहनूं इक डैम दी वाल रोकदी आ उह 'च क्रैक आ गया सी ते फिर ओवरफ्लो होण करके जिहड़े लागे लागे वाले घर वगैरह ने उह डुब गए सारे। 1993 ईस्वी दी गल आ इह, डुब्बण करके कई जानवरां ते कई बंदिआं दी मौत हो गई सी। हुण तां थोड़ा ही पाणी आ, देखो उह वी गंदला गंदला जिहा। वो स्टेशन का नाम क्या था? गुवानी हाट। दोस्तों अभी एक स्टेशन पर रुके थे गुमानी हट ना, हाँ तो उत्थे सानू बाई मिले, वीडियो देखा भी होगा, दोबारे मिल गया। इस जगह था बाई अलीपुर द्वार का, इतों हम ड्यूटी चलिया 45 किलोमीटर ने इधर से। ठीक है ठीक, अच्छा लगा भाई आपसे मिल के यार दोबारे। दोस्तों पिछले एक राह मुड़ता सी कूच बिहार वालों जिधर नू बाई गया हो गुमानी हट वाला, तो सीधा सीधा जाई जाने फलाकाटा होके सिलीगुड़ी बिच एक होर गुड़ी आना, गुड़ी गुड़ी काफी ने इतने, तो गुड़ी नू क्रॉस करके फिर असीं सिलीगुड़ी पहुंच जाए। दोस्तों काफी देर तो कोई पिंड आया नहीं, हूँ टकरिया इतने कोई खाने के लिए, भुख बहुत लगी हुई है। रसगुल्ला दोबारे खावांगे ना, पूरी वगैरह मिल जाएगा, और गूगल पे फोन पे हो जाएगा। गर्मी तो है अभी, अभी तो सब तरफ गर्मी है, इधर बहुत है इतना नहीं होता। बंगाल जाइए तो रसगुल्ला ना खाइए, हो नहीं सकता। ये तो पहले खाते थे पूरियां, चाह का रेट भी सस्ता हो गया, इतने 5 की मिलती है, अगे 10 की मिलती होंगी जी आसाम वाली साइड, 2.5 कप। सिलीगुड़ी हैगा इतों 118, जलपाईगुड़ी 77, फलाघाट 18, कूच बिहार 23 किलोमीटर, तो हासी मारा 31 किलोमीटर। बुरा हाल है ना, सड़क की हालत माड़ी है पिछले 5 किलोमीटर तो, गांव शायद बेहतर हो गए। बाई मिल गई सानू, कह थानू यूट्यूब पर देखा कल परसों में किस चैनल ने इंटरव्यू ली होनी। हम कल रात को देखा है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? सुमन बर्मन।
सिलीगुड़ी में रहता हूँ। सिलीगुड़ी जा रहे हैं हम? हाँ, सिलीगुड़ी से नेपाल जा रहे हैं। नेपाल, नेपाल से फिर आगे निकल जाएंगे अपने घर। नेपाल होके आपको काठमांडू होके निकलेंगे? नहीं नहीं, उत्तराखंड होगी। उत्तराखंड ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे वाला जो रोड है। नीचे वाला, ठीक है भाई। ओके ओके, अच्छा लगा आपसे। तकरीबन सड़क का काम चल ही रहा, कितने कितने जिते पिंड आ जाता उत्थे रोड सही है, बाकी का फिर ऐसा खस्ता हालत ही है। दोस्तों बैगों की सीऊना उधरिया हुई सी, एक तो पक्की की वाली हेठाली रहनती, इतों ही खिंच पैंती है, इतों लटकता है। ये पक्की करते हैं, ये भी उधरी हुई है, इन भी ठीक करते हैं, इन भी ठीक करते, नाले झाड़ लें बैग। सूई धागे लगे हुए अभी रील तो सूई भी इतनी सी आप ही सूई। स्कूल तो निकल आए थे, हम चलते हैं जिन्ना चल हों। धुप अज एडी तिखी नहीं हैगी, बदल बगी जी करके मौसम ठंडा ही है, पर राह बहुत खराब ने। देखो हूँ जिमें असं पिंड फिरते हैं, जो तो पिंड क्रॉस किया उदों ही रस्ते खराब शुरू हो जाने हैं। समा तकरीबन हो गया जी 12:19, परौंठे खाण रुके हैं। पूरी भी इन्हों कहते हैं, परौंठे भी इन्हों कहते हैं। ये चहल पहल असं देख रहे हैं जी फलाकटा शहर की, अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट के ही पैंता है शहर। रोड भी इतने आके सू वधिया मिल गए ने, फलाकटा जाके गलत डायरेक्शन च आ गए सी। हुण जे सीधा चले जाइए असीं तां भुटान वल नूं मूंह साडा, पर इत्थों जतेश्वर फिर बीरपाड़ा आउंदा, फिर बिना कुड़ी काफ़ी मतलब वाटे घूम के पै जाता। हुण इधर नूं पिंडां वाले रास्ते विच नूं हो के जिहड़ा रोड जांदा है सिलीगुड़ी नूं सौखा, उधर नूं चले सालवाड़ी धूपगुड़ी ते माइनागुड़ी पहुँचते हैं जी। पिंडां 'च वड़ जाइए तां खूबसूरती दुगनी तिगनी हो जाती है। जिहड़े पिंड असीं हाईवे जां मेन रोड के नाल नाल देखते हैं, वह पिंडां नालों
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਬੇ, दोस्तों तकरीबन इस टाइम सारे पिंड के नौजवान जाद खड़े फरते बंदे इदा घर के बाहर बैठे होंगे ब्रांडा जी पा के रिलैक्स होंगे। तुम्हें पता ही है बंगाली लोग कम कर घट ही करते करते भी है नहीं लोड़ जोगा। ये हम असी उस रोड पर आ गए जिस रोड राही असं गए थी इतों जलपाईगुड़ी वाला रास्ता जोड़ा वो आ गया जलपाईगुड़ी तो गुमानी हाल ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੜਾ ਯਾਰ ਗਰੋੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਛਾਣ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵ ਆਉਂਦਾ ਰੋਡ 'ਚ। ਗਦਾਨ ਦੁਇਤੇ ਖੰਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਪ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਬਾਈ ਜੀ ਹਟ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਡੇਢ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬਤਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਧੂਪਗੁੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਪੱਖੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਆ 20-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੌਖਾ ਰੂ ਹਨ ਸੁੱਟ ਖੇਤੀ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਸਮਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਜਰੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੜਕੇ ਛੇਤੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ 3:30-3:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਹੁੰਮਸ ਜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਮਸ ਜੀ ਉਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਜਰੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈਏ ਤੜਕੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੀ ਵਾਟ ਹੈਗੀ 84 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।